सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राजपूत फोटोग्राफी। सो गाइज, आज के इस न्यू वीडियो में आप लोग कुछ इस तरह का होली स्पेशल फोटो एडिट करना सिखाऊंगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। आप लोग यहां स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का फोटो एडिट करना सीखना, तो आप लोग इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। और अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज, बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके सो गाइज, इससे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इस वाले होली बैकग्राउंड को आप लोग पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ से टूल्स वाले आइकॉन पर क्लिक करके, यहाँ से रिसाइज टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको मैक्सिमम साइज में रिसाइज कर लीजिएगा, ताकि एडिटिंग करते वक्त हमारे फोटो का जो क्वालिटी है बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। और सिंपली आप यहाँ से इसको डन कर लीजिएगा। और इस वाले एडिटिंग करने जितना भी स्टॉक वगैरह का यूज करूँगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जाके वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ से 3D टेक्स्ट PNG को ऐड करेंगे। तो इस वाले हम 3D होली वाले टेक्स्ट PNG को ऐड करेंगे और इसको कुछ इस तरह से हम जूम करके हम अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेते हैं और सिंपली यहाँ से इसको हम डन कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से अपने फोटो कटआउट को हम लोग ऐड करते हैं। तो कुछ इस तरह के पोज में अपना फोटो क्लिक करवा लीजिएगा, आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। और इसके बैकग्राउंड को मैंने पहले से इरेज करके रखा है, आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन जाकर चेकआउट कर सकते हो। 1 क्लिक के अंदर बैकग्राउंड को अपने कैसे रिमूव करते हैं, तो कुछ इस तरह से अपने फोटो को थोड़ा हम जूम कर लेते हैं और इस बार हम टेक्स्ट PNG पर एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से एक शैडो इफेक्ट PNG को ऐड करेंगे। तो इस वाले हम लोग शैडो इफेक्ट PNG को ऐड करेंगे और इसको कुछ इस तरह से हम जूम करके अपने सूज के पास कुछ इस तरह से इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ से इसको हम डन कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉ टूल वाले आइकॉन पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, इस वाले ब्रश को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसको साइज को कुछ इतना रख लेंगे और हार्डनेस को फुल डिक्रीज कर देंगे और थोड़ा ऑपेसिटी को भी कम करके कुछ इस तरह से अपने फोटो को थोड़ा जूम करके यहाँ की साइड हम शैडो बना लेंगे। और सिंपली यहाँ से इसको हम डन कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से एक PNG को हम लोग ऐड करेंगे। तो इस वाले PNG को हम लोग ऐड करेंगे और इसको हम जस्ट फुल बैकग्राउंड पे कर देंगे कुछ इस तरह से और यहाँ से इसको हम डन कर देंगे। अगेन ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से कलर इफेक्ट PNG को ऐड करेंगे। तो इस वाले कलर इफेक्ट PNG को ऐड करेंगे और इसको भी कुछ इस तरह से हम फुल जूम कर लेंगे और थोड़ा ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम करके सिंपली यहाँ से इसको डन कर देंगे। फिर से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग होली वाले टेक्स्ट PNG को ऐड करेंगे। तो इस वाले टेक्स्ट के PNG को ऐड करेंगे और इसको भी कुछ इस तरह से जूम कर लेंगे और इसको हम ऊपर की ओर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको हम डन कर देंगे। अगेन ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से एक तिलक की PNG को ऐड करेंगे। तो इस वाले तिलक की PNG को ऐड करेंगे और इसको कुछ इस तरह से थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं और इसको कुछ इस तरह जूम आउट करके अपने फेस पर हम कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको हम डन कर देते हैं। अगेन ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से कलर की PNG को हम लोग ऐड करेंगे। तो इस वाले हम लोग कलर की PNG को ऐड करेंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इस वाले कलर PNG को हम थोड़ा सा डुप्लीकेट करके कुछ इस तरह से अपने फेस पर एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ से इरेजर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके हम इसको इन्वर्ट कर लेते हैं और रिस्टोर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फेस को पर कुछ इस तरह से इसको हम रिस्टोर कर लेते हैं और सिंपली यहां से इसको डन कर और थोड़ा ऑपेसिटी को भी कम कर लेते हैं और दूसरे कलर वाले PNG को भी कुछ इस तरह से हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम जल्दी से इस वाले प्रोसेस को यहां पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब सिंपली यहां से इसको हम डन कर देते हैं।
अब हम फिर से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और फिर से हम कलर की पीएनजी को ऐड करेंगे। तो इस बार हम इस वाले कलर पीएनजी को ऐड करेंगे और इसको भी कुछ इस तरह से हम एडजस्ट कर लेते हैं। और सिंपली यहां से इसको हम डन कर देंगे। अगेन ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां से एक फ्लाइंग बैलून पीएनजी को ऐड करेंगे। तो इस वाले फ्लाइंग बैलून पीएनजी को ऐड करेंगे और इसको कुछ इस तरह से हम जूम करके कुछ इस तरह से इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं और सिंपली यहां से इसको डन कर देते हैं। तो हमारा पिक्सआर्ट का जितना भी वर्क था यहां पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब सिंपली यहां से इस वाले आइकॉन पर क्लिक करके अपने फोटो को सेव कर लेते हैं और इस वाले फोटो को हम लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो लाइटरूम ऐप में फोटो को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां से कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके थोड़ा वाइब्रेंस को हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं और मिक्स टूल वाला ऑप्शन पर क्लिक करके जितना भी यहां पे कलर है सभी का सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। और सिंपली यहां से इसको हम डन कर देते हैं। अब इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो में विग्नेट को ऐड करेंगे और थोड़ा टेक्सचर को भी ऐड कर लेते हैं और शार्पनेस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो में शार्पनेस ऐड करेंगे और डिटेल्स को भी इंक्रीज कर लेते हैं। तो आप लोग यहां बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। तो अब सिंपली यहां से शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को सेव टू डिवाइस कर देंगे।